नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी एक गुप्त मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग राजद के प्रदेश कार्यालय में हो रही है। आपको बता दें कि इस मीटिंग के जरिए तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को लेकर नए सिरे से शुरुआत और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की अहमियत को सरकार को बताने की कोशिश है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो राजद के प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस नेता मौजूद हैं, सीपीआई के नेता मौजूद हैं और साथ ही महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो मौजूद हैं। साफ तौर पे तस्वीरें देख रहे होंगे, जगदानंद सिंह खुद इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी इस मीटिंग में आज पहुंचेंगे। जो तस्वीरें पहले हमने आपको दिखाई हैं, कहीं ना कहीं से स्पष्ट होता है कि तेजस्वी की इस गुप्त मीटिंग में ये फैसला हो रहा होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार आने वाले हैं और क्या कुछ फैसला लिया जाना है, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के आने के दरमियान जो बातचीत है। पहले ही राजद ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर बम फोड़ा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर राष्ट्रीय जनता दल पर इसलिए बनी होगी कि पीएम के आने के पहले वो कौन सा बखेड़ा खड़ा करेंगे, राजनीतिक रूप से कौन सा बयान देंगे जिससे प्रधानमंत्री मोदी को कल बोलना पड़ जाए, ये बड़ा सवाल है। और इसी कड़ी में तेजस्वी ने जो बैठक बुलाई है, इस बैठक के जरिए सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ बैठक हो रही है। इस बैठक के जरिए महागठबंधन को मजबूती प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हाल ही में दिल्ली से लौटे हैं। पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब थी तो वो उनकी तबीयत को लेकर चिंतित थे और वो दिल्ली पहुंच चुके थे, उनका इलाज दिल्ली के एम्स में हो रहा है। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो स्पष्ट है कि अब राष्ट्रीय जनता दल नए सिरे से शुरुआत करेगा और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे के पीछे की जो कहानी है वो भले ही बिहार विधानसभा के भवन का जो है शताब्दी समारोह मनाया जा रहा हो और उसका समापन हो, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता जानते हैं कि ये मौका है और बिहार में विपक्षी दल ताकत दिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं कल प्रधानमंत्री के साथ मंच भी साझा करेंगे तेजस्वी यादव। यानी सब कुछ स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री के साथ बातचीत तय है, लेकिन पहले ही एजेंडा फिट कर दिया गया है कि कांग्रेस के नेता माले के नेता मिलेंगे तो सभी लोग एक ही बात कहें ताकि प्रधानमंत्री पर ज्यादा असर पड़े और इसी को लेकर प्रधानमंत्री के साथ उनकी कल मुलाकात होगी, मंच साझा करेंगे। और आज तेजस्वी ने बड़ी बैठक बुलाई है, इस बैठक के जरिए तेजस्वी यादव बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं पर चर्चा करेंगे और विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।